आज मैं आप सभी को लेके जाने वाला हूँ पिछोला और दूध तले। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूध तले और पिछोला के अलावा हमको यहाँ पर कन्या माता जी का मंदिर, माणिक्य लाल वर्मा पार्क और उसके अलावा सनसेट पॉइंट मिल जाएगा। और ये दूध तले ही है, दूध तले के आगे की तरफ पिछोला बना हुआ है, तो पिछोला के पास ही एक रोड ऊपर चढ़ रही है, ये रोड जो आपको कन्या माता टेम्पल पर लेकर जाएगी। और इसी के ऊपर रोप वे बना रखा है जिसका टिकट 125 से 120 तक रहता है पर पर्सन। तो आप सभी से मेरा एक प्रश्न है कि राजस्थान को रंगीला राजस्थान क्यों कहा जाता है, आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ। तो मैं आपको लेके आ चुका हूँ पिछोला, और ये आपके सामने पिछोला का एक प्यारा सा नज़ारा। पिछोला के बारे में आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसका निर्माण कब और किसने करवाया था। इस झील का निर्माण राणा लक्का के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था और बाद में राजा उदय सिंह ने इसे ठीक करवाया था। अगर आप पिछोला घूमने के लिए जा रहे हैं, यहाँ नाव की सवारी के बिना इस झील की यात्रा अधूरी है। शाम के दौरान यहाँ पर वोटिंग करना बेहद खास साबित हो सकता है। पिछोला पर आपको वोटिंग करने को मिल जाएगा और वोटिंग करने के लिए आपको टिकट यहाँ से मिलेगा, इसका प्राइस 280 से 300 तक है पर पर्सन। आपको यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए कार राइडिंग के लिए एक छोटी सी कार मिल जाएगी जिसकी प्राइस 100 रुपये रहेगी एक राउंड के। और उदयपुर में जो सारी झीलें हैं उन सारी झीलों में से सबसे बड़ी झील पिछोला झील है। मिल जाए फोटो नहीं ले पाते भाई। ये बहुत मन ने कहा है कि मैंने घोड़े के साथ शूट कर लिया, तो फिर मैंने इसका एक प्यारा सा शूट लिया। मुझे बोल रहा है कि मेरे पास खड़ा मत रहे क्योंकि ये सुबह से नया नहीं, इसलिए कैमल राइड की प्राइस 100 से 150 रुपये तक है। सिटी पैलेस और पिछोला के पास में ही आपको ये दूध तलाई देखने को मिलेगी। ये एक छोटा सा तालाब है जिसके चारों छतरियाँ बनी हुई है, इनको गोल गुम्बद कहा जाता है। फिर हमें लगी भूख, तो हमने खाए पंडित जी के आलू के पराठे, बहुत ही स्वादिष्ट एंड टेस्टी। ये
वैलेंटाइन वगैरह वैलेंटाइन जेडी पहाड़ियों पर चढ़ते समय हमको दिखाए सात कुंभ व्यू पॉइंट।